हेलो अच्छू, मैं त्रिलोक पटेल एमबीसीए के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएटी साइंस ग्रुप के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे? मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने देखा है कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उस कंसेप्ट के ऊपर और भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 2019 के साइंस ग्रुप के जो मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए विस्तार करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इनके जैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, और थ्योरी का आपको पढ़ना ही है, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, रोहतक श्रेणी 5, 20, 80 का कौन सा पद 20,480 है? तो इस रोहतक श्रेणी का कौन सा पद 20,480 है ये बताना है। विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5, 20, 80, ठीक है, इसके 20,480 के कौन से नंबर की टर्म है? चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर का पद निकालना है, किसी भी नंबर की टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला होता है AR^n-1। ये किसी भी रोहतक श्रेणी में कोई सा भी पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अब आपको पद दिया हुआ है, यानी टर्म गिवन है, टर्म कितनी रहेगी 20,480, और आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन दे रहेगी 5, 20, 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Tn मतलब ये जो टर्म है इसको हम Tn सपोज कर लेंगे। Tn कितनी है? 20480 इक्वल टू a, a कितना है 5, r कितना है 20/5। ठीक है, r कैसे निकालेंगे बताओ, 20/5 यानी कि कितना आएगा, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो 4 है, और Tn कितना है 20,000। तो a की जगह हमने रख दिया 5, r मतलब 4^n-1, 5 से डिवाइड कर दो, तो 20,480 इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा 4^n-1, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, 4, 0, 9, 6 इक्वल टू 4^n कितना है n-1 है। अब इसको हम 4, 0, 9, 6 को लिख सकते हैं, 4^6 इक्वल टू कितना आएगा 4^n-1 है, पता है बेस से अगर होता है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लेते हैं, 6 = n-1, n की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, n कितना आएगा 7। तो Tn इक्वल टू AR^n-1, r कितना होता है 4, तो a कितना दिया हुआ है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम कंपेयर करके वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व करा तो n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसमें वैल्यू कैसे पुट करना है पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 1 को -2 पर वृत्त x² + y² = 5 के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण है। इस बिंदु पर जो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त क्या है x² + y² = 5 है, इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसका मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 5 एट द पॉइंट 1, -2, इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है 1, -2, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, चार ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर सर्कल के ऊपर निकालना है तो उसके लिए देखो, अगर मान लो सर्कल की आपको इक्वेशन दे रखी है x² + y² = a², ठीक है, पॉइंट दिया है आपको, बिंदु दिया हुआ है x1 y1, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है x(x1) + y(y1) - a² = 0। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट यहाँ रखेंगे हम तो क्या जाएगा x, x1, y1 की जगह -2 रखेंगे, -2y -5 = 0। ठीक है, आगे आंसर,
x माइनस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, कौन सा आंसर मैच हो रहा होगा? अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट टाइम फॉर्मूला, टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है, इस पर से लिखा हुआ समीकरण किसी बिंदु पर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है x x1 plus y y1 minus a square equal to 0, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त के दो व्यास के समीकरण, एक वृत्त के दो व्यास के समीकरण दिए हैं और वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? If the equations of two diameters of the circles x minus y equal to 5 and 2x plus y equal to 4 and the radius of the circle is 5, then find the equation of circle. यहाँ पर देखिए diameter की equation दे रखी है, आप क्वेश्चन का लॉजिक समझो। एक सर्कल है आपके पास, इसके आपको diameter की equation दे रखी है, कितने diameter दिए हैं? दो diameter का सेंटर पे है, जो point of intersection रहेगा ये क्या हो जाएगा? सेंटर। तो आपको दो diameter की equation दे रखी है, आपको क्या करना है? इन दोनों diameter को solve करना है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब आपको दो व्यास के समीकरण दिए, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालोगे, जो x और y का मान निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। त्रिज्या आपको दे रखी कितनी है? 5। तो सेंटर निकालने के बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x - y = 5, 2x + y = 4, फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों को ऐड कर, तो दोनों को ऐड करेंगे आप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 3x equal to कितना आएगा? 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, x अगर 3 आ गया तो यहाँ रख दो, तो 3 minus y equal to 5, y की वैल्यू आ जाएगी minus 2, इसका मतलब केंद्र यानी कि सेंटर, सेंटर कितना आ गया बताओ? 3 कॉमन सेंटर कितना आ गया? 3 - 2 सेंटर है, रेडियस भी है, रेडियस कितनी है? 5 है। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है, वृत्त का समीकरण आ गया। तो सिंपल है, अगर आपको व्यास के या डायमीटर के इक्वेशन दे रखे हैं, पहले उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो x और y निकलेगा वो सेंटर में रहेगा, केंद्र हो जाएगा उसका, त्रिज्या आपको दे रखी है, रेडियस गिवन है, तो यहां से सेंटर रेडियस फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आराम से इस तरीके से। बस फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, मेन चीज फॉर्मूले है, फॉर्मूले याद है तो ही क्वेश्चन होंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल दो क्रमानुवाद पूर्णांक है, तो बीच का पारस पोलिस की वैल्यू बताओ। अगर मान लो कोई समीकरण दिया हुआ है, कोई समीकरण में इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देन बीच का पारस पोलिस, तो बीच का पारस पोलिस की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर मान लो आपको कोई ऐसा वाला समीकरण दिया हुआ है जिसके जो रूट है, जो उसके मूल है, वो कैसे हैं? 5, 6, 1, 2, 7, 8, मतलब लगातार इंटीजर, लगातार नंबर है, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 3, 4, ठीक है, ऐसे कोई नंबर दिए हैं, लगातार नंबर दिए हुए हैं, लगातार संख्याएं में दी हुई है, तो उस केस में क्या करेंगे? क्रमानुगत पूर्णांक या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलेंगे। हम मान लेते हैं ऐसा कि वो जो आंसर है 1, 2 है, ठीक है, लगातार जो संख्या है ना, हमने आंसर ले लिया, मान लो लगातार संख्या क्या आ रही है? 1, 2 आ रही है। अब इन 1, 2 से इक्वेशन कौन सी बनेगी बताओ? x equal to 1 है और x equal to कितना है? 2 है। x minus 1 into x minus 2 equal to 0, x square minus 3x plus 4 plus 4 equal to 0 plus 2 equal to 0। अब b square minus 4ac निकालना है, 4c निकालना है, तो b square मतलब minus 3 a square 4 into 2 9 माइनस 8 यानी कि कितना आ गया आंसर? 1। कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 1.2 दिया, आप चाहो तो x equal to 3 को ले लो, इससे करोगे, कुछ भी नंबर ले लो, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई से भी दो लगातार नंबर लेके अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो आपको मालूम चलेगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या
इस टाइप के एग्जाम्पल से अगर करोगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप जबरदस्ती में उलझते रहोगे इसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिंदु 4.1 और 2.3 को जोड़ने वाली रेखा से बिंदु 4.2 की दूरी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4.2 फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4.1 एंड 2.3। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है? हमारे लिए ए पॉइंट 4.1 और बी पॉइंट हमें दिया है 2.1। इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन बन रही है ए बी लाइन। तो हम ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ए बी रेखा का समीकरण निकालते हैं। समीकरण कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, पहला बिंदु एक्स टू कॉमा वाई वन, दूसरा बिंदु क्या है? एक्स टू कॉमा वाई वन। ठीक है, इसे वैल्यू डाल दो वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वन इक्वल टू वाई टू, थ्री माइनस वन अपॉन 2 माइनस फोर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस फोर। सॉल्व करते हैं वाई माइनस वन इक्वल टू 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 अपॉन माइनस टू, टू अपॉन माइनस टू कितना आएगा? माइनस वन, माइनस वन एक्स माइनस फोर। वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर, वाई प्लस एक्स इक्वल टू फाइव। ये लाइन की इक्वेशन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम 4.2 इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो जहां पर x वहां पर 4 रखेंगे, जहां y वहां पर 2 रखेंगे। 2 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, फिर अंडर रूट आंसर आ गया। तो पहले हमने क्या करा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन निकाली, फिर उस लाइन की हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल तो आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया 1 अपॉन। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था ये भी, बस मैथ्स में क्या है थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, टाइम खत्म हो जाता है। 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, दो व्यक्तियों के एक दूसरे के बगल में बैठे होने की प्रायिकता है। 6 पर्सन आर टू बी सीटेड इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। कितने लोग बैठे हुए हैं? 6 लोग बैठे हुए हैं एक साथ, 6 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और हमें बताना है कि उनमें से दो व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठेंगे। ठीक है ना, 6 लोग बैठे हुए हैं तो हमें बताना है कि उनमें से दो लोग हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठेंगे। तो ये कैसे पता चल सकते हैं बताओ? इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, दो एक दूसरे के बगल में बैठे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 6 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं? टोटल जो अरेंजमेंट है, टोटल या सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं, सैंपल स्पेस, कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं कितनी होंगी बताओ? फैक्टोरियल सिक्स, कितने भी तरीके से बैठा दो, ठीक है ना, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? एन एस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे? अब हमने टोटल 6 लोग हैं, अब समझो यहाँ 6 में से मान लो ए बी है, इनको अपन ने एक साथ मिला दिया, तो अब इन दोनों को एक काउंट कर लेंगे, यहाँ तक इन दोनों को एक काउंट कर लिया, बाकी कितने लोग बचे हुए हैं बताओ? 4 हैं, लेकिन ये जो 4 लोग बचेंगे, ठीक है, इनको काउंट करें अगर तो टोटल तो 5 हो रहे हैं, टोटल कितना हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। तो यहाँ पर 4 लोग बचे क्योंकि 6 हैं, 6 में से 2 को एक साथ मिला दिया अपन ने। टोटल अब देखा जाए तो प्लेस कितनी लगेगी? 1 2 3 4 5, लेकिन ये दो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये पांचों कितने भी तरीके से बैठ सकते हैं, और साथ में कितना आएगा? 2 है यहाँ पर, इसमें फैक्टोरियल 2। यहाँ पर सैंपल स्पेस की अगर बात करें तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, सॉरी ये क्या इवेंट है, घटना है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में सैंपल स्पेस, तो इवेंट कितने आ रहे हैं? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6। सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 5 इंटू 2 6,
फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 1/3 आएगा, आंसर कितना आ गया 1/3। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसमें हमने देखा कि 6 लोग थे, 6 को मैंने से 2 को एक साथ कर दिया अपन ने। टोटल लीजिए प्लेस की अगर बात करें कि कितने ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गए, तो 5 ऑब्जेक्ट हैं। इनको आगे पीछे रखने के फैक्टोरियल 5 तरीके होंगे, लेकिन दो जो है दो आपस में तो पोजिशन चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा फैक्टोरियल 2 आएगा। तो ये घटना है, इवेंट है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस सॉल्व करा को आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर। नॉर्मली क्या होता है पीएटी में जो क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। चलिए, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाले सभी सीधी रेखाओं के कुल का अवकल समीकरण है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मूल बिंदु से है ना, यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ नहीं, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से गुजरने वाले सभी रेखाओं के कुल का अवकलन समीकरण है। सभी रेखाओं का अवकलन समीकरण है। तो क्वेश्चन का मतलब समझो है ना, थोड़ी सी यहाँ पर सभी रेखाओं का जो अवकलन समीकरण वो निकालना, वो करेंगे कैसे। मान लो सबसे पहले रेखा मान लेते हैं y इक्वल टू mx, ये कौन सी रेखा है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऐसा अवकलन समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से होकर जा रही है, जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी का, कुल रेखाओं का अवकलन समीकरण निकालना है, और सभी स्टेप टाइम जो ओरिजिन से पास हो रही है उनके, जो ओरिजिन से पास हो रही है उनके लिए क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू mx ये रेखा है जो कहां से जा रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है। अगर इसके लिए हमें अवकलन समीकरण बनाना है तो अवकलन समीकरण बनाने के लिए क्या तरीका होगा है कि जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उस पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, m आ गया। ये m का मान निकाल लिया हमने, ये m का मान यहाँ रख दो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू कितना आएगा dy/dx। हमें उस वेरिएबल को हटाना पड़ता है, ये y इक्वल टू dy/dx। क्लियर, ये आ गया आंसर, बस आंसर y इक्वल टू x इनटू dy/dx। तो क्वेश्चन का मतलब ये था कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं का, मतलब बहुत सारी रेखाएं होंगी उनकी फैमिली होगी, तो उन सभी रेखाओं की अगर बात करें तो उन रेखाओं का अवकलन समीकरण निकालना था हमें। तो अवकलन समीकरण निकालने के लिए हमने देखा सबसे पहले तो y बराबर mx ये क्या है, उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जा रही है। और इसके अंदर हमने देखा m, m का एक चर है, m एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमें m का मान निकालना और याद रखना है। तो m का मान कैसे निकाला, डिफरेंशिएशन करा हमने तो m का मान निकल गया, m का मान यहां रख दिया तो आंसर आया। यहां पर एक नियम होता है, नियम ये होता है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं हम उसका उतने बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और जो आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो अवकल समीकरण आएगा उसमें वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था वो भी। नेक्स्ट, tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहता है। तो यहाँ पर tan inverse 1 plus tan inverse 2, तो एक फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, यहाँ पर tan inverse of x plus tan inverse of y equal to कितना होगा, y plus tan inverse of x plus y upon 1 minus x y। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, तब जब x और y दोनों ही क्या है, 0 से बड़े हैं, और x into y क्या है, greater than 1। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो tan inverse x plus tan inverse y equal to pi plus tan inverse of x plus y minus x। x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और x into y क्या होना चाहिए, x से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो pi plus tan inverse of x plus y minus x y ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, पाई ऐड नहीं करते हो, वो कब होता है,
जब x into y क्या होता है less than one होता है, अगर x into y less than one है तो pi डालने की आपको जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये फॉर्मूला ही है कि आपके द्वारा फॉर्मूला डाला है। फिर हम क्या करेंगे, चलो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं अपन, तो क्या आएगा tan inverse of 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2 ठीक है, प्लस कितना आ गया tan inverse of 3 आएगा, हम भूल जाओ यहाँ लगा देखो pi plus तो pi plus ये कितना आ गया tan inverse of minus 3 plus tan inverse of 3। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा है tan inverse of minus x equal to minus of tan inverse of x ठीक है, तो ये pi minus tan inverse of 3 plus tan inverse of 3 ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर मान लो x x और y greater than 0 है, x into y greater than 1 है, उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus x y ठीक है, उस फॉर्मूला को यूज करते से ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है सर, 9 आंसर आ रहा है, डी आंसर सही ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो लोगों के कमेटी का चयन दो पुरुषों और दो महिलाओं में से किया जाता है, कमेटी में कम से कम एक आदमी होने की प्रायिकता याद कीजिए। अब यहाँ पर देखो दो लोगों के कमेटी का चयन दो पुरुषों और दो महिलाओं में से किया जाता है, अब यहाँ पर दो लोगों का चयन कर रहा है अपन ठीक है ना, कितनी कितने लोग हैं हमारे पास, दो पुरुष हैं, दो पुरुष हैं और दो क्या है महिला है, इनमें से दो लोगों को कमेटी बनाना है, कम से कम एक आदमी यानी एक पुरुष तो होना ही चाहिए, कम से कम एक पुरुष होना चाहिए। तो कैसे होगा देखो, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे प्रोबेबिलिटी बताना, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, टोटल लोग चार हैं, चार में से दो को सेलेक्ट करना है ठीक है ना, तो चार में से दो को सेलेक्ट करने का तरीके कितना होगा, फोर सी टू इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू इनटू फैक्टोरियल टू, फोर इंटू थ्री फोर थ्री फैक्टोरियल टू कैंसिल हो जाएगा और ट्वेल्व बाई टू यानी कितना आ जाएगा सिक्स हो जाएगा, कितना आ गया सिक्स। अब कमेटी में कम से कम एक आदमी होना चाहिए, तो सिंपल स्पेस के बाद हम बात करेंगे इवेंट की, इवेंट में ना क्या होगा, पहला ऐसा हो सकता है कि भाई दो लोगों की कमेटी बनाना है तो पहला पुरुष आ गया, मतलब दो में से एक पुरुष होना चाहिए, दो में से एक पुरुष तो दो में से एक क्या हो गई महिला, फिर दो में से दो पुरुष तो महिला कितनी हो गई, दो में से एक भी, ये कंडीशन हो सकती है भाई दो लोगों की कमेटी बनाना है, एक महिला एक पुरुष या दोनों पुरुष यही तो होगा ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, दो में से एक पुरुष दो में से एक महिला या फिर प्लस या मतलब प्लस है ना, टू सी टू दो में से दो पुरुष दो में से एक महिला, तो टू सी वन की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी, इनटू कितना आएगा टू आएगा, प्लस टू सी टू मतलब वन और टू सी वन मतलब कितना आएगा टू सी जीरो आएगा, दो में से एक पुरुष और महिला कितनी, टू सी वन में कितना आएगा वन आएगा, तो टोटल यहाँ कैलकुलेट करके क्या आ रही है फाइव आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में क्या आता है सैंपल स्पेस, और इवेंट कितनी आ रही है फाइव, सैंपल स्पेस कितना आ रहा है सिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइव बाई सिक्स, कितना आंसर आ रहा है फाइव बाई सिक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ कॉम्बिनेशन भी काम आ रहा है, कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अगर आपको ठीक से आता है तो फिर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। यहाँ पर प्योरली कॉम्बिनेशन यूज किया है, कॉम्बिनेशन ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है कि हमें कमेटी बनाना है या टीम बनाना है। चलिए तो दो लोगों की कमेटी में से दो पुरुष दो महिलाओं में से चयन किया जाता है, दो लोगों की कमेटी बनाना है, तो इस तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी वो रहेगी फाइव बाय सिक्स। वृत्त की त्रिज्या जो x अक्ष को स्पर्श करती है और जिसका केंद्र 3.4 है,
अब समझो यहाँ पर हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या 3.4 है और जो एक्स अक्ष को स्पर्श करती है। क्या बना लेंगे एक्स को स्पर्श करेगी बिंदु क्या हो जाएगा 3.4 ये दूरी कितनी हो जाएगी हमें पता है एक्स को वाई है ठीक है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो रहेगी 3.4 अगर पॉइंट दिया है एक्स को वाई दिया है तो एक्स का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है और वाई का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है एक्स कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ठीक है। हमें क्या निकालना है रेडियस तो इस रेडियस कितनी आ गई 4 आ गई ठीक है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी कुछ पूर्णांकों a और b के लिए फलन fx ax plus b द्वारा z से z तक परिभाषित ये फलन z से z तक परिभाषित है और फलन हमें दिया हुआ है 1.1, 2.3, 3.5, 4.7 ये इसके त्रिभुज रूप में है इस फलन के तो हमें a और b का मान क्या करना है क्वेश्चन में दिया है इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए फंक्शन डिफाइन है 1.1, 2.3, 3.5, 4.7 ये फंक्शन है z से z पर डिफाइन है और क्या दिया हुआ है fx equal to ax plus b दिया हुआ है तो हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फलन दिया हुआ है जो फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें ax plus b फंक्शन दिया है ax plus b और साथ में यहाँ पर जो फंक्शन के जो फलन के ऑर्डर पेयर यानी कि त्रिभुज रूप में वो है 1.1, 2.3, 3.5, 4.7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम किससे y से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना है मान लो ये ax plus b तो जो क्रमित युग्म में जो ऑर्डर पेयर है ये पहली वैल्यू x की होती है दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की होती है मतलब ये वाले वैल्यू रखने पर ये आंसर आ रहा है ठीक है ना 2 रखने पर 3 आ रहा 3 रखने पर 5 आ रहा 4 रखने पर 7 आ रहा तो पहला ऑर्डर पेयर 1 रखने पर 1 आंसर आ रहा है तो हम ऐसा करेंगे y की जगह 1 ले लेंगे और x की जगह क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे यहाँ पर पहला समीकरण बन गया यहाँ पर a plus b equal to 1। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 3 है यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई 3 इक्वल टू कितना आएगा 2a plus b आएगा और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी सेकंड। अब हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है दोनों को सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकालना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं 3 minus 1 में कितना आएगा 2 आएगा और 2a minus या ऐसा करो ऊपर से नीचे माइनस करो यहाँ माइनस को लिख देंगे हम यहाँ माइनस ए आएगा और बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ए की वैल्यू आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखो अगर तो कितना आएगा 1 plus 1 equal to 2 plus b यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ठीक है आसान क्वेश्चन में तो हमें ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिए थे क्रिमिनल इक्वल दिए हुए थे इसमें एक्स की वैल्यू होती है पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू होती है वाई की यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए दो समीकरण बन गए ए और बी का और उनको सॉल्व करके हमें ए और बी का मान निकाल दिया ठीक है तो ए का मान 2 और बी का मान कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है इन कौन सा ऑप्शन सही फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए कि n एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है एक धनात्मक पूर्णांक n दिया हुआ है 1 plus x plus x square power n equal to a0 plus a1 ये हमें दिया हुआ है तब a0 plus a1 से लेके an minus 1 तक का मान क्या है एक n का पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 plus x plus x square power n equal to a0 plus a1x plus a2x square कहां पर दिया हुआ है a2n x to the power 2n तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है इसकी वैल्यू फाइंड करना है a0 plus a1 से लेके an minus 1 तक की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इक्वेशन दे रखी है ये x इक्वल टू 1 के लिए सही होगी है ना x इक्वल टू 1 के लिए सही होगी है ना x इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो जो हमें वैल्यू निकालना है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी
a0 प्लस a1 कहां तक a2n तक में जाएगा उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन दे रखी है ठीक है, इस वाली इक्वेशन को याद कर रहे हैं, इसमें x इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो मुझे बताओ क्या मिलेगा, यहां 1 रखेंगे तो 3 की पावर n आ जाएगा, कितना आएगा 3 की पावर n आएगा, और a0 से लेकर कहां तक, a0 प्लस a1 प्लस a2 कहां तक आएगा, a2n तक आएगा, क्या ये सबको समझ में आ गया। इस वाले इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने क्या करा, x की जगह 1 रख दिया, x की जगह 1 रखना तो 3 की पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 कहां तक, a2n तक आ जाएगा ठीक है। अब जो हमें वैल्यू निकालना है वो जो क्या है, a0 से लेके an माइनस 1 तक हमें इसकी वैल्यू निकालना ठीक है, a0 से लेके an माइनस 1 तक, और हमें क्या दिया हुआ है, a0 से लेके a2n तक दिया हुआ है। मुझे बताओ ये टोटल टर्म्स की अगर हम बात करें तो कितने टर्म्स यहाँ से ज्यादा होगी, देखो 1 से लेके 2n तक तो 2n टर्म होंगे, साथ में 0 भी है, यानी कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, 2n प्लस 1 है, टोटल टर्म्स कितनी है, 2n प्लस 1 है, और हमें यहाँ पर n टर्म्स का सम निकालना है क्योंकि a0 प्लस a1 an माइनस 1 तक दिया हुआ है। अब मुझे बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर n है, देखो a0 प्लस a1 प्लस a2 एक टाइम बीच में क्या आएगा, an माइनस 1 आएगा, फिर क्या आएगा, an आएगा, फिर क्या आएगा, an प्लस 1 आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से a2n तक, इस तरीके से a0 से लेके a2n तक कंटिन्यू ये कोफिशिएंट आएंगे, ये सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट है ठीक है ना, कोफिशिएंट है ये सभी चीजें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या होता है, इनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का मतलब सेम ठीक है ना, इनका सम करोगे आप वही सम इसका आएगा, an क्या आएगा, अलग आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो an को ले जाओ इस साइड, 3 की पावर n माइनस कितना आएगा, an आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों इक्वल पार्ट है, इसमें ट्वाइस कर दो, ट्वाइस a0 प्लस a1 प्लस कहाँ तक आएगा, an माइनस 1 तक आएगा। बाद में क्या करेंगे, टू को नीचे ले आएंगे, तो फाइनली a0 प्लस a1 प्लस an माइनस 1 इसकी जो वैल्यू आएगी 3 की पावर n माइनस an बाय 2 आएगा ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर n माइनस an बाय 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बाइनोमियल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं पता है कि पहला कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट इक्वल होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट इक्वल होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट कोफिशिएंट इक्वल होता है, उस कंसेप्ट को हमने यहाँ पर यूज किया है ठीक है। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग के 5 कोफिशिएंट का सम आखिरी के 5 कोफिशिएंट का सम क्या होगा, बराबर होता है, ये शुरू के n कोफिशिएंट है, ये आखिरी के n कोफिशिएंट है, इनका सम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, और इनको हम इसके ट्वाइस लिख दिया हमने, और ए एन को इस साइड ले आए, सॉल्व करो तो वैल्यू आ गई ठीक है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी ट्रिक थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रैखिक बाधाओं की प्रणाली द्वारा निर्धारित व्यवहार के कार्य क्षेत्र के कोणीय बिंदु हमें दिए हुए हैं ठीक है ना, 0.8 आपको जेड दे दिया है, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फैसिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट, पॉइंट हमें दिए हुए हैं 0.8 तो इसके ऊपर z की वैल्यू निकालते हैं, तो z की z है कितना, z कितना है 3x minus 4y है, यानी 3 into 0 minus 4 into 8 क्या आंसर आएगा, minus 32 ठीक
ठीक है। बी पॉइंट सेकेंड पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है 4.10 है, 4.10 तो बी पॉइंट रखा हमने, कितना आ जाएगा z 3 × 4 माइनस 4 × 10 सॉल्व करते हैं इसको, कितना आया 12 − 40 यानी कि −30 − 28 ठीक है। सी पॉइंट क्या ले लिया हमने 6.8 इसको सी पॉइंट सपोज कर लेते हैं, इस सी पॉइंट को जेड की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर आएगा 3 × 6 − 4 × 8 18 − 32 अगर करेंगे हम तो कितना आंसर आएगा 14 − में आएगा। डी पॉइंट 6.5 डी पॉइंट रख कर देखेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 6 − 4 × 5 18 − 20 यानी कि −2 ई पॉइंट रख कर देखते हैं, ई पॉइंट रखने में कितना आंसर आ रहा है, ई पॉइंट की बात करें अगर तो पॉइंट कर दिया है हमें 5.0 3 × 5 − 0 0.0 रखने में 0 आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर 5.0 के ऊपर क्या आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बातें कौन सा आंसर सही है, डी आंसर सही है 5.0। हाँ मैं सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, जेड दिया हुआ है, ऑप्टिमाइज फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और हम इसमें क्या कर रहे हैं पॉइंट हमें दिए हैं कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट के मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बता रहे हैं, तो कॉर्नर पॉइंट हमें लगे बाहर से निकाल रहे थे ना, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना था इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बस वो लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद आंसर आ रहा था इतने टाइम लग रहा था, सारे ऑप्शन चेक करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.2 एवं 5.6 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत और −4 − −5 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो 1.2 और 5.6 इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, इन दोनों रेखाओं के इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू −4, −5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्यूरिंग द पॉइंट 1.2 एंड −1.2 एंड 5.6। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को 1.2 और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है 5.6, इन दोनों बिंदुओं को जाने वाली रेखा इस रेखा के लंबवत एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा बिंदु −4, −5 से होकर जा रही है, जो रेखा बिंदु −4, −5 से ऊपर जा रही है। अब देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा के लंबवत और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये जो रेखा हमें दी हुई है इसका स्लोप मान लो f1 और f1 कितना है 6 − 2/5 − 1 यानी 2/4 कितना आंसर आ जाएगा, बोलिए कितना आंसर आ रहा है 6 − 2 − 4 × 1 इसका मतलब ये जो लाइन परपेंडिकुलर है इसकी इसका स्लोप कितना आ गया −1। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप कितना है −1, साथ में पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है यानी −4, −5 इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो y −y1 फार्मूला क्या होता है y2 − y1 × x2 − x1 × x − x1 तो y − y1 यानी y+5 इक्वल टू y2 − y1
सॉरी अपन स्लो डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर m इनटू इक्वेशन यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 तो स्लोप दिया और एक पॉइंट दिया हुआ पॉइंट हमें दिया है y प्लस 5 इक्वल टू m m कितना है माइनस 1 x प्लस 4 y प्लस 5 इक्वल टू माइनस x माइनस 4 y प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 0 कौन सा आंसर आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है ठीक है तो ये आसान क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हमको 0 1 3 5 7 का उपयोग करके तीन अंकीय संख्या बनाई जाती है इन अंकों का उपयोग करके तीन अंकीय संख्या बनाई जाती है तीन संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है क्या प्रायिकता है कि संख्या में समान अंक है तो प्रायिकता बताना है जिससे कि संख्या में समान अंक है सबसे पहले देखो आपका कितने डिजिट दिए हुए हैं डिजिट कितने हैं आपके पास पांच ठीक है और इनसे हमें क्या करना है तीन अंकों की संख्या बनाना है तीन अंकों की संख्या बनाना है और इस संख्या में से एक संख्या हम चुनेंगे तो वो संख्या में तीनों अंक समान है इसकी प्रायिकता कितनी है इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं थ्री डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 0 1 3 5 7 a number is chosen at random out of these numbers the probability that this number has the same digit is तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीन डिजिट है हमारे पास कौन कौन से तीन डिजिट हैं 0 है 1 है 3 है और 5 7 ठीक ये डिजिट हमारे पास है इनसे हमें तीन अंकों की संख्या बनानी है तो टोटल तीन अंकों की कितनी संख्या बन सकती है वो हो जाएंगे सैंपल स्पेस उसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि और ये हो जाएगा कितने अंक चाहिए अपने को तीन तीन अंकों की संख्या बनाना है तो मुझे बताओ पहले स्थान पर यहाँ पर हम इन चार में से कोई सी एक संख्या रख सकते हैं यहाँ पर चार संख्या संभव है यहाँ पर पहले वाले पर जीरो नहीं रख सकते अपन शुरुआत जीरो से करेंगे तो वो तीन अंकों की संख्या नहीं होगी वो दो अंकों की संख्या हो जाएगी इसलिए यहाँ पर हम चार अंक कोई सी भी रख सकते हैं बची हुई दो जगह पर पांचों अंक रख सकते हैं अपन यहाँ पर पांच यहाँ पर पांच इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 4 × 5 वैल्यू ठीक है ना तो 20 और 20 × 5 कितना आएगा 100 ये क्लियर आ गया 100 ये सैंपल इसके साथ गए अब हम देख रहे हैं इवेंट इवेंट की अगर हम बात करें तो कितनी बनेगी इवेंट एक जैसे नंबर आना चाहिए एक जैसे नंबर मतलब क्या क्या हो सकते हैं भाई 1 है ठीक है ना 1 1 1 या फिर हो सकता है 3 3 3 या फिर क्या हो सकता है 5 5 5 या क्या हो सकता है 7 7 7 कितने नंबर पॉसिबल है चार नंबर पॉसिबल है इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 4 एलिमेंट आएंगे हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी क्या होती है नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन में कितना आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 4 आएगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब कितना आएगा 100 आएगा तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अपॉन 20 है क्या क्लियर 50 से सेम डी आंसर से अपॉन 20 तो तीन अंकों की संख्या बनाने की आपको पांच अंक दिए हुए थे पांच में से हमने देखा पहले स्थान पर पहले प्लेस पर हम चार ही अंक रख सकते हैं उसी चार डिजिट यहाँ रख सकते हैं ठीक है सेकेंड और पाइप पर यहाँ पर पांच पांच डिजिट रख सकते हैं इससे क्या होगा 100 सैंपल स्पेस बनेंगे ठीक है और इवेंट के अंदर एलिमेंट देखें अगर घटनाओं के अंदर हम अवयव देखें तो तीनों नंबर सेम होना चाहिए 1 1 1 3 3 3 5 5 5 7 7 7 यहाँ पर टोटल चार पॉसिबल है 4 upon 100 यानी कि 1 upon 25 क्लियर तो इस तरीके से आंसर आ गया डी आंसर आ गया बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पीएटी में प्रोबेबिलिटी ज्यादा पढ़ना आप लोग अब लोग है ना अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं प्रोबेबिलिटी से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि 7.6 और माइनस 3.4 से समान दूरी पर है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7.6 एंड -3.4 ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि
7.6 और -3.4 इन दोनों ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो पॉइंट कहां अप्लाई कर रहा है, पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस के ऊपर है। x के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0 होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कहां पर, x एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट लेना है हमें जिसके दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है और हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। तो हमने पॉइंट सपोज कर लिया x एक्सिस के ऊपर 3.0 और ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। अब अगर ये पॉइंट a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल टू कितना होगा, b भी होगा, ठीक है। इसको हमने a सपोज कर लिया, इस पॉइंट को हमने b सपोज कर लिया, तो p से a तक की, p से b तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, डिस्टेंस फॉर्म में लगा देते हैं। तो pa मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 49 प्लस 49 प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। x स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो 85, इनको ऐड करो 25। यहां पर 85 माइनस 25 इक्वल टू 14x 6x प्लस 14x। तो टोटल यहां पर जो आंसर आएगा 60 आएगा, यहां पे कितना आ गया 20x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60/20, यानी फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 है, पॉइंट हमने क्या लिया था, x,0 लिया था। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताओ क्या होगा, x,0 यानी कि 3,0, ठीक है। 3,0 ऐसा पॉइंट है जो कि x एक्सिस के ऊपर है और साथ में इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर भी है, ठीक है। कौन सा आंसर सही है इसका, 3,0, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। प्लेन बिस्कुट के एक पैकेट के दाम 6 रुपए और वहीं चॉकलेट बिस्किट के एक पैकेट के दाम 9 रुपए, ग्रैनी के पास 72 रुपीज। समझना क्वेश्चन अच्छे ध्यान से समझ लेना। प्लेन बिस्किट का जो पैकेट है, प्लेन बिस्किट 6 रुपए का एक पैकेट आता है और चॉकलेट बिस्किट का पैकेट कितने का आ रहा है, 9 रुपए का आ रहा है। ग्रैनी के पास कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं इसके पास, 72 रुपीज है, ठीक है। कितने रुपए हैं, 72 रुपए है। और वह कम से कम तीन प्लेन बिस्किट के पैकेट और 4 चॉकलेट बिस्किट के पैकेट खरीदना चाहती है। कम से कम 3 प्लेन बिस्किट के पैकेट और 4 चॉकलेट बिस्किट के पैकेट खरीदना चाहती है। वह अधिकतम पैकेटों की संख्या खरीदना चाहती है, उसको एक चीज और चाहिए, कम से कम 3 प्लेन बिस्किट चाहिए और 4 क्या चाहिए उसको, चॉकलेट बिस्किट चाहिए, और उसको नंबर ऑफ पैकेट, ज्यादा से ज्यादा पैकेट भी खरीदना है, ठीक है। यदि x और y क्रमशः प्लेन बिस्किट और चॉकलेट बिस्किट के पैकेटों की संख्या दर्शाते हैं एवं इसे एक रेखीय प्रोग्रामिंग के रूप में सूत्रबद्ध किया जाता है तो उद्देश्यपरण और बाधाएं, तो उद्देश्यपरण और बाधाएं इसकी क्या बनेगी वो हमें बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, अ पैकेट ऑफ प्लेन बिस्किट कॉस्ट 6 रुपीज, प्लेन बिस्किट का पैकेट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, 6 रुपए, एंड चॉकलेट बिस्किट कॉस्ट 9 रुपीज, चॉकलेट का जो बिस्किट है वो कितने का है, 9 रुपीज का है। हाउसवाइफ हैज रुपीज 72 एंड वांट्स टू बाय, हाउसवाइफ का कितने रुपीज है, 72 रुपीज है, और उसको कम से कम 3 पैकेट प्लेन बिस्किट चाहिए और 4 पैकेट क्या चाहिए, चॉकलेट बिस्किट चाहिए। तो शी वांट्स टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स, तो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स हमें देना है, लेना है उसको, ठीक है। तो x क्या है, प्लेन बिस्किट का पैकेट है, y क्या है, चॉकलेट बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। तो हमें एक इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, कॉन्स्टेंट्स बनाना है, ये सारी चीजें हमें बनानी है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो कि एक पैकेट कितने रुपए का, 6 रुपए का है, और प्लेन बिस्किट का पैकेट 6 रुपए का है, और जो चॉकलेट बिस्किट है वो कितने का है, 9 रुपए का है। तो प्लेन बिस्किट 6 रुपए का है और चॉकलेट बिस्किट 9 रुपए का है, और टोटल रुपए कितने हैं, 72। इसका मतलब यहीं पर क्लियर हो गया कि अगर x प्लेन बिस्किट है और एक बिस्किट 6 रुपए का आ रहा है तो x बिस्किट कितने के आएंगे, 6x के आएंगे।
चॉकलेट बिस्किट, एक बिस्किट 9 रुपए का है तो वाई बिस्किट लिए तो कितना आएगा, 9 वाई आएगा, ठीक है। अधिकतम पैकेट अधिकतम रुपए कितने हैं, 72, तो ये जो संख्या है ये 72 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, क्योंकि जितने रुपए है उसके हिसाब से 72 रुपए के पैकेट अगर खरीदना है 6x प्लस कितने आएंगे, 9y लेस देन इक्वल टू 72। साथ में क्या दिया हुआ है कि जो बिस्किट के पैकेट है प्लेन बिस्किट कितने चाहिए, कम से कम 3 चाहिए हो ये प्लेन बिस्किट, कम से कम 3, तो इसका कम से कम 3 प्लेन बिस्किट क्या है, x है, और ये क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा, और चॉकलेट बिस्किट कितने चाहिए, कम से कम 4 चाहिए, तो x क्या है प्लेन बिस्किट है, कम से कम 3 और 3 से ज्यादा होना चाहिए, और y क्या है चॉकलेट बिस्किट है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो x क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, 3 के बराबर, y क्या होगा, 4 से बड़ा होगा या 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना लिया अपन ने, साथ में हम देख रहे हैं उसको मैक्सिमम चाहिए, नंबर मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, देखो अधिकतम, अधिकतम पैकेट है कोई संख्या खरीदना चाहती है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ x + y क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तो z = कितना आ जाएगा, x + y, इन दोनों में दिख रहा है अपने को z = x + y, 6x + 9y less than 72, d वाला ऑप्शन दिख रहा है, x y, अब ये d वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 6x + 9y less than equal to 72, ठीक है। ये क्यों करा हमने, एक पैकेट 6 रुपए का है, x पैकेट 6x रुपए के होंगे, एक पैकेट 9 रुपए का है तो y पैकेट कितने होंगे, 9y के होंगे, less than equal to कितना आ गया, 72, और x और y, x 3 से ज्यादा है, y 4 से ज्यादा है, तो z = कितना है, x + y, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा, d आंसर इसका सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, तो ये क्वेश्चन रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं पढ़ने में, आपको ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर पीएटी में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए चैप्टर पढ़ लेना आसान है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते जाओ ये क्वेश्चन बन जाती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। यहाँ पर हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सी प्राइम पर पीए और पीबी द्वारा परिभाषित की जा सकती है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ऑफ पीए एंड पी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, अब कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज है जो कि पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए पी ऑफ ए पी ऑफ बी, पी ऑफ ए हमें दिया 0.5, पी ऑफ बी इतना दिया हुआ 0.4, यहाँ पर पी ऑफ ए में बी जो निकाला गया तो P of A में भी कितना आएगा, इस दोनों में से जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा आएगा, तो टोटल से क्या आएगा, कम आएगा, मतलब 0.5 दिया है यहाँ पर, यहाँ पर 0.4 दिया है, तो मैक्सिमम से हमेशा ज्यादा आता है P of A में भी, ठीक है, और इनका टोटल जो रहेगा उससे हमेशा कम आता है, तो 0.5 से ज्यादा आंसर आएगा, तो 0.9 से क्या आएगा, कम आएगा, इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल है, बात समझ आ रही है, ये आंसर पॉसिबल है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, P of A equal to 0.5, P of B equal to 0.8 है, तो इनका जो मैक्सिमम है इससे क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ऐसे यूनियन मतलब कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर मिक्स करेंगे यूनियन कर रहे हैं तो P of 0.8 से क्या आंसर आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.4 आंसर आ रहा है जो कि इसकी मिनिमम से भी क्या है, कम है, पास में आ रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर P of A कितना 0.5, P of B कितना 0.28, A union B अगर 0.5 और 0.2 को हम ऐड कर दें, उसी देखो यहाँ पर A union B निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P of A plus P of B minus P of A intersection B, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को प्लस करते हैं उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो इतना आंसर आता है, लेकिन इनका प्लस करने पर ही इतना नहीं आ रहा है 0.8, बात समझ में आ रही, 0.8 क्या हो रहा है, प्लस करने पर इतना नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं P of A कितना 0.5, P of B कितना 0.7 है, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे तो 0.5 और 0.7, 0.5 और 0.7 जब इनको कंबाइन करेंगे तो 7 से तो ज्यादा आंसर आएगा, आंसर में आ रहा है, मैंने बताया था ना सेम लॉजिक, यहाँ पर जो लॉजिक है तो ये कंबाइन कर, ये वाला आंसर सही क्यों है, क्योंकि P of A 0.5, P of B 0.4 है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और मैक्सिमम वैल्यू से आंसर ज्यादा आएगा
और इन दोनों का सम जो रहेगा उससे कम आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 0.7 है, तो पी ऑफ सॉरी यहाँ पर अच्छा इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर इंटरसेक्शन पूछा गया है, इंटरसेक्शन हमेशा दोनों में जो कम वैल्यू है उससे भी कम आंसर आएगा, मतलब इसमें और इसमें कॉमन अगर देखेंगे तो कॉमन जो रहेगा मिनिमम जो रहेगा वो आ सकता है या उससे कम आ सकता है। तो 0.5 और 0.7 में मिनिमम कितना है 0.5, तो इसका आंसर इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ सकता है 0.5 आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें लॉजिक लगाना है और यहाँ पर सेट्स का भी यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें सेट में मिलता है, सेट थ्योरम जो पढ़ते हैं 11th क्लास में। ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करके लॉजिकली हमने डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, श्रेणी सीरीज दे रखी है 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3, इनका हमें सब निकालना है, योग ज्ञात करना है। जैसे कि आप करेंगे 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3, वहां तक दिया हुआ है, इनका हमें सम फाइंड करना। 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया है, ये 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3, क्या बचेगा 10 की पावर 3, ये बचेगा। 2 की पावर 3 मतलब 1 से लेकर 10 तक सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, फॉर्मूला होता है n into n plus 1 10 into 10 plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर, 8 into 5 into कितना आएगा 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर कितना आएगा, फाइव इंटू फाइव का स्क्वायर 8 इंटू 55 इंटू 55। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 5 into 5 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
और यहाँ पर कितना जाएगा ट्वेल्व जीरो थ्री जीरो टू फाइव एट इंटू थ्री जीरो टू फाइव और थ्री जीरो टू फाइव का इस समय निकला कितना एट से करना है कितना आएगा फोर फाइनली आपका आंसर कितना जाएगा टू फोर टू वन जीरो सी आंसर ठीक है। तो कैलकुलेशन की थोड़ी सी तो अगर सीरीज दी हुई है हमने क्या करा टू की पावर थ्री कॉमन ले लिया टू की पावर थ्री कॉमन लेने के बाद फिर हमने क्या करा उसको अंदर बचेगा वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू वहां तक प्लस टेन की पावर थ्री तक और फिर इनको हमने सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जो फॉर्मूला होता है n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर वो हमने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला यूज करने के बाद कैलकुलेशन करी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपका आंसर आ गया 24,200। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है हाँ पता है अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। कोई ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो वेक्टर में क्या होता है वेक्टर एडिशन क्या होता है ट्रायंगल का एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर ये हमेशा क्या होता है जीरो होता है क्लियर। अगर किसी भी ट्रायंगल की बात करें एबी बीसी सीए यहां पर इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर सम होता है वेक्टर एडिशन होता है वो क्या होता है जीरो होता है वेक्टर एडिशन ठीक है। साइड्स के जो लेंथ होती है मतलब साइड्स के जो वेक्टर होते हैं एबी वेक्टर बीसी वेक्टर सीए वेक्टर इन तीनों का सम क्या होता है जीरो होता है। तो हम पहले वाला ऑप्शन देख रहे हैं अच्छा एक प्रॉपर्टी और सभी को पता है एबी वेक्टर अगर ये नंबर हम चेंज करते हैं
बीए वेक्टर लेते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन रखना पड़ता है। एबी वेक्टर का टोटल कितना होता है, माइनस ऑफ बीए वेक्टर होता है। एबी माइनस सीबी वेक्टर में यहां पर हम देखो जो माइनस है उसको प्लस बना लेते हैं। एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर करेंगे प्लस सीए वेक्टर, ठीक है ना, फिर क्या जाएगा जीरो, सही है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें, क्या बताना है कौन सा वाला सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसके लिए एबी प्लस बीसी प्लस सीए इक्वल टू जीरो सेकंड ऑप्शन की बात करें, एबी प्लस बीसी प्लस सी, एबी सही है, एबी सही है, एबी प्लस बीसी इसको चेंज कर दो तो सीए हो जाएगा, ये भी सही है, एबी प्लस बीसी माइनस सी, ठीक है ना। तो एबी प्लस बीसी प्लस सीए इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन नॉट ट्रू बताना था, संबंध सही नहीं है। तो आंसर हमारा ये वाला रहेगा, आंसर कौन सा रहेगा, डी वाला रहेगा, क्योंकि ये सही है और ये सही है इसलिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि जो गलत है वो आंसर है इसका, ठीक है। तो क्लियर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2019 के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इसके अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके टेक केयर, बाय बाय।